डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है रिक्स का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो स्टूडेंट्स, पिछली कई क्लास के अंतर्गत हमने रिक्स के योगदान के बारे में पढ़ा। मैंने बताया कि रिक्स का जन्म चीन में हुआ, हायर एजुकेशन अमेरिका में ली, अमेरिका के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, तुलनात्मक प्रशासनिक समूह के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, फिर अपनी शोध प्रवधि में पारिस्थितिकीय उपागम और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग करते हुए तीन मॉडल दिए। पहला था कृषि का औद्योगिक मॉडल, दूसरा था कृषि का संक्रमणकालीन औद्योगिक मॉडल, तीसरा था संयोजित समपार्श्वीय विवर्तित प्रतिमान, फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रेक्टिव मॉडल। अब देखिए, रिक्स का आलोचनात्मक मूल्यांकन हम करते हैं तो रिक्स का जो शोध कार्य था वो तुलनात्मक लोक प्रशासन में अद्वितीय माना जाता है और रिक्स को तुलनात्मक लोक प्रशासन का एक पर्याय माना जाता है। फिर भी रिक्स की आलोचना होती है तो आलोचना के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है कि रिक्स ने जो विवर्तित समाज बताया, उस विवर्तित समाज को वो आदर्श स्थिति मानते हैं। तो आलोचक कहते हैं कि विवर्तित समाज आदर्श स्थिति नहीं है। रिक्स अपने शोध के अंतर्गत विश्लेषण करते हैं कि विवर्तित समाज यानी डिफ्रेक्टेड जो समाज है जिसमें अमेरिका को रखते हैं, वो कहते हैं कि विवर्तित समाज एक आदर्श स्थिति है और विश्व के प्रत्येक समाज को इसे प्राप्त करना चाहिए। ऐसा उन्होंने अपने शोध कार्य में निष्कर्ष के द्वारा कहा। लेकिन आलोचक कहते हैं कि विवर्तित समाज एक आदर्श नहीं है, क्योंकि विवर्तित समाजों के अंतर्गत भी कई प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे जातीय दंगे, जैसे भ्रष्टाचार, युवा असंतोष, जैसे गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि। इसी प्रकार की कई समस्याएं पाई जाती हैं। इसलिए आलोचक कहते हैं कि रिक्स ने जिस विवर्तित समाज को आदर्श स्थिति माना है वो आदर्श स्थिति हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से पहली आलोचना है कि विवर्तित समाज एक आदर्श स्थिति नहीं है। दूसरा है कि स्थिर और गतिहीन समाज आदर्श नहीं हो सकता। यानी रिक्स ने अपने शोध के बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि जो आदर्श समाज होते हैं वो स्थिर और गतिहीन समाज है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि विवर्तित समाज जिसे रिक्स ने एक आदर्श स्थिति माना है एक संतृप्त व वृद्ध अवस्था को व्यक्त करता है, जबकि व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो प्रत्येक समाज निरंतर गति उन्मुख होता है, निरंतर विकास उन्मुख बना रहता है, जो उसकी युवावस्था को, जो उसकी जीवंतता को दर्शाता है। तो इस प्रकार से दूसरी जो आलोचना होती है वह है कि स्थिर व गतिहीन समाज आदर्श नहीं हो सकता। तीसरा है कि रिक्स द्वारा प्रयुक्त जो शब्दावली है वो शब्दावली कठिन है, अस्पष्ट है। ये जो आलोचना की गई है वो सीसोन द्वारा की गई है। सीसोन कहते हैं कि रिक्स ने अपने प्रतिमानों में
यानी अपने जो मॉडल हैं उस मॉडलों में जो शब्दावली प्रयुक्त की है वो बहुत ही कठिन है, अस्पष्ट है, जिसे समझना बहुत कठिन है। सिसोन कहते हैं कि रिक्स को समझने के लिए हमें 3 बार पढ़ना पड़ता है। एक बार भाषा को समझने के लिए पढ़ना पड़ता है, तो दूसरी बार रिक्स की जो अवधारणा है उसको समझना पड़ता है, यानी पहली बार पढ़ेंगे तो भाषा समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो अवधारणा को समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और तीसरी बार जब पढ़ा जाता है तो ये देखा जाता है कि उसमें सीखने की कोई बात है या नहीं। तो इस प्रकार से सिसोन द्वारा ये आलोचना की जाती है कि रिक्स द्वारा प्रयुक्त जो शब्दावली है वो बहुत ही कठिन और स्पष्ट है। अगली आलोचना आहन बीनली के द्वारा की जाती है। आहन बीनली कहते हैं कि रिक्स के जो प्रतिमान है, मॉडल है, उससे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना कठिन है। ये कहते हैं कि यदि प्रशासन का लक्ष्य व्यवस्था को बनाए रखने की बजाय परिवर्तन लाना है तो रिक्स के जो मॉडल है वो इस संदर्भ में अनुपयोगी हैं, यानी उस सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझा नहीं जा सकता। अगली जो आलोचना आती है वो है प्रिज्मेटिक सोसाइटी की अच्छाइयों की उपेक्षा। अधिकांश जो विद्वान हैं उनका तर्क है कि रिक्स ने अमेरिकी समाज को आधार बनाया और विकासशील समाजों के नकारात्मक पक्ष को उजागर किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जहाँ बुराइयां हैं वहाँ अच्छाइयां होंगी, जहाँ अच्छाइयां हैं वो वहाँ बुराइयां हैं। यानी रिक्स ने प्रिज्मेटिक सोसाइटी के जो सकारात्मक पॉइंट्स हैं, सकारात्मक जो बातें हैं, अच्छाइयां हैं, उनकी उपेक्षा करके केवल और केवल नकारात्मक पक्ष को ही उजागर किया है। तो इस प्रकार से आलोचकों के द्वारा रिक्स की आलोचना की गई, तथापि रिक्स के द्वारा तुलनात्मक लोक प्रशासन को दिया योगदान एक अद्वितीय है, क्योंकि रिक्स ने तुलनात्मक अध्ययन की व्यवस्थित जो नींव रखी है वो बड़ी ही प्रशंसनीय है। थैंक यू।